सो गाइज वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। आज वाला व्लॉग बेसिकली आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। जब मैं ट्रैकिंग पे जा रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि उस ट्रैक के ऊपर हमको किनको लेकर जाना चाहिए, किनको नहीं, क्या पहनना चाहिए, क्या चीज़ एक्स्ट्रा लेकर जानी चाहिए। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, और इन सारी चीज़ों का मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बता पाऊँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करें, ये बताइए कि और क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कि हम सब वापस कब मिलें और फिर से एक नया एडवेंचर कब पॉसिबल हो सकता है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। सो गाइज पहली जो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले वो है ट्रैकिंग शूज़। ये डीकैथलॉन से मैं लेकर आया था 3500 रुपीस के, बहुत अच्छे शूज़ हैं। ट्रैकिंग शूज़ की बेसिकली ग्रिप अच्छी होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम टाइम पे इनमें एंकल सपोर्ट होता है, सो फॉर ट्रैकिंग दे आर गुड। अगर आप ट्रैकिंग इन शूज़ में कर रहे हैं तो दैट इज़ अमेजिंग, नहीं तो आप स्पोर्ट शूज़ यूज़ कर सकते हैं। पार्टी वेयर शूज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लाइक स्नीकर्स एंड ऑल ना, वो कंफर्टेबल नहीं रहते। तो अगर आप थोड़ा भी एडवेंचर कर रहे हैं तो ये शू पूरी तरह 100% वर्थ इट होता है, जिसके साथ आप ऐसे सॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्व करते हैं। स्टिल आज जो मेरी आज वाली ट्रैकिंग हुई इसमें बहुत सारा स्वेट निकला, स्टिल दे आर हेल्पफुल। सो इसके बाद में मैं बात करता हूँ शॉर्ट्स की या लोअर की, जो भी आप पहने। सो जो ये वाला लोअर अगेन मैं डीकैथलॉन से लेकर आया था, बहुत अच्छा है, ये यहाँ से खुल जाता है। तो जब अगर आपको ट्रैक पे इसको खोलना है तो आप यहाँ से इसके नीचे वाले इससे अलग भी कर सकते हैं। ये भी डीकैथलॉन में मिलता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो ऑलवेज़ कैरी वाटर बॉटल। इस तरीके की वाटर बॉटल है मेरे पास में दो, और वाटर बॉटल का बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है, आप अगर डिहाइड्रेट होंगे तो आपका पूरा एडवेंचर ख़राब है। सेम टाइम पे मैं साइकिलिंग करते हुए बालाक्लावा, पता नहीं इसको यही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। फ्लोरेसेंट कलर मैंने इसलिए लिया ताकि आपके विजिबिलिटी बनी रहे आपके साथ वालों में। तो इफ़ यू वेयर इट ऑन योर हेड या अपने गले में पहनते हैं तो बेसिकली झाड़ियों वगैरह से स्क्रैचेज नहीं होते। कोशिश करें कि आप ट्रेल पे पूरे के पूरे कपड़े पहने ताकि आपकी बॉडी पे कहीं स्क्रैचेज ना हो। उसके अलावा आई यूज़ टू कैरी अ टॉवल, क्योंकि पसीना बहुत सारा आ रहा होता है तो इट्स गुड टू हैव अ टॉवल। ये जो बैग है ये मैं डीकैथलॉन से लेकर आया था। इस बैग की एक ख़ास बात है कि इसके नीचे की तरफ आपको इस पूरे के पूरे बैग को कवर करने के लिए रेन कवर आता है, तो बारिश के अंदर आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ये कैप्स है, कैप कैसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो हैट बोल देंगे या कैप बोलेंगे, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये ना चारों तरफ से आपको ना टैनिंग से भी बचा रही होती है और पानी वगैरह से भी, और ये बहुत ज़्यादा इजीली ना आप इसको कैरी कर सकते हो, ये फोल्ड होकर ना बहुत छोटा सा बन जाती है। उसके अलावा हरदम अपना वॉलेट, और वॉलेट के अंदर अपना आईडी कार्ड्स वगैरह लेकर जाएं, कई बार ज़रूरत पड़ी जाती है। उसके अलावा मेरे पास में और क्या क्या है, मेरे पास मेरा सनग्लास है, सनग्लास इज़ गुड। जब झाड़ियाँ आपके मुंह पे टकरा रही होती है तो एट दैट मोमेंट यू फील लाइक होने चाहिए सनग्लास। अगर रात है तो आप साइकिलिंग वाले जो वाइट कलर के ग्लासेस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, डे है तो आप अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी काम में ले सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा 360 का केस है, आई लव टू फिल्म, और ये मैनफ्रोटो की स्टिक है, दिस इज़ अ अमेजिंग वन फॉर 360 फिल्म मेकिंग एंड ऑल। ये बहुत क्रेजी चीज़ है और इसमें वज़न बिल्कुल भी नहीं है, ऑल दो इट्स कॉस्टली, पर ये 100% इसका पैसा वसूल है। आई यूज़ टू कैरी म्यूज़िक, तो स्पीकर होना इज़ वेरी गुड थिंग विथ यू, थोड़ा थोड़ा लाउड नहीं, थोड़ा थोड़ा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसके अलावा और क्या रहा, मैं पॉलीथीन यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी मैंने जो पहन रखा है ये फुल वेयर है, ये ट्रैकिंग के लिए बेसिकली बना हुआ है और इसका बहुत फ़ायदा रहता है। और बताइए और क्या बात करें, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कौन ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। देखिए जो भी हेल्दी है, जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, हर कोई इंसान ट्रैक कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पहाड़ियों में लिखा होता है इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी ए गामा, आई गेस। तो अगर ऐसा लिखा होता है इसका मतलब ये हीरो ना बने पहाड़ियों में। एक्सप्लोर करते हुए एक एक कदम ध्यान से रखें, और जंगली जानवरों से थोड़ा सा डर वाली बात है पर वो हमसे ज़्यादा डर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द होल वीडियो जिसके अंदर ये पॉइंट मैंने ट्राई करा डिस्कस करने के लिए। अगर अभी भी कोई चीज़ बच रही है तो आप मुझे बताएं उसमें क्या पॉइंट बच रहा है।
आई विल ट्राई टू कवर इट एंड लाइक कॉमेंट शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी.